हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ स्किल्स ऑल इन वन। कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप सबको पता है, 11th बाइपार्टाइट साइन हो गया। अब रिटायरीज को भी उम्मीद है कि उनको क्या एरियर मिलेगा और उनकी कम्यूटेशन बढ़ेगी, ग्रेच्युटी में कितना फर्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के लिए पेंशन कैलकुलेशन एग्जाम्पल दे के बताया गया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो AIBEA ने ये सर्कुलर निकाला है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूँ, ये ऑफिसर्स के लिए भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी जैसे अवार्ड स्टाफ की होगी। तो ये 29/11/2020 को उन्होंने निकाला है, और यही इन्होंने भी यही बोला है कि क्वेरीज हैव कम टू अस फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉयज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट टू देम। तो ये कैसे एप्लीकेबल रहेगा, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। तो देखिए, 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक फ्रॉम एंड आफ्टर 1 नवंबर 2017। जैसे कि आप सबको पता है, 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट नवंबर 17 से लागू है, और जो तब या उसके बाद जो रिटायर हुए हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और जितने महीने वो नवंबर 17 के बाद सर्विस में थे, उसका वो पे स्केल और अलाउंस उनको पेएबल होंगे वो 1 नवंबर 2017 से टिल देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। और नेचुरल है, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिफरेंस इन पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, कम्यूटेशन एंड लीव एनकैशमेंट। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, रिटायरमेंट के टाइम पे हमको कम्यूटेशन हम ऑप्ट करते हैं तो मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट भी मिलती है, पीएफ भी मिलता है, पेंशन बनती है हमारी। तो हमें ग्रेच्युटी, पेंशन, कम्यूटेशन और लीव एनकैशमेंट सबका जो डिफरेंस है उसके लिए हम एंटाइटल रहेंगे। तो एक सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है कि हमारे पास ऑप्शन है कि आप अब जो रिवाइज्ड बेसिक पेंशन रहेगी उस पे आप कम्यूटेशन लेते हैं या नहीं लेते। तो ये दो एग्जाम्पल दे के मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस में फायदा रहेगा। एम्प्लाइज हु हैव रिटायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड हु हैव रिसीव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल हैव एन ऑप्शन। उन्होंने पहले चाहे कम्यूटेशन ले भी लिया है, फिर भी दे हैव द ऑप्शन ईदर टू क्लेम द इंक्रीज डिफरेंस इन कम्यूटेशन अमाउंट और या नॉट टू क्लेम इंक्रीज इन कम्यूटेशन बट कैन रिसीव द रिवाइज्ड पेंशन अमाउंट। अगर वो कम्यूटेशन क्लेम नहीं भी करते तो भी वो रिवाइज्ड पेंशन अमाउंट ले सकते हैं। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी ये कैलकुलेशन पेंशन की कैसे रहेगी। जो रिटायर हुए हैं 1/11/2017, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड 31/8/18 के बीच में, अगर वो जून में भी रिटायर हुए हैं तो भी क्या होगा, 8 महीने का तो उनको ये 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से मिलेगा, और 1/11 से पहले 2 महीने का उनको 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से उनकी सैलरी कैलकुलेट होगी, पेंशन कैलकुलेट होगी। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, 10 मंथ्स की सैलरी लेकर उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होती है, उसका एवरेज लेकर, एवरेज बेसिक पूरी लेके एवरेज लेके उसका 50% करके उस पर हमारी पेंशन कैलकुलेट होती है। तो फॉर दी पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉलिंग ऑन एंड फ्रॉम 1 नवंबर 2017, द एक्चुअल पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय अंडर 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट एंड फॉर द पीरियड फॉलिंग प्रायर टू 1 नवंबर 2017, द एक्चुअल पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय अंडर 10th बीपीएस प्लस डीएनएस अलाउंस एट द रेट ऑफ 47.8% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो दोज हु वर इन सर्विस ऑन 1 नवंबर 2017 एंड आर एलिजिबल फॉर 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, अगर उनको 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलनी है जो कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में रिलीज करी है, तो वो भी आप उनको मिलेगी, और उसको मिलाने के बाद ही एरियर कैलकुलेट होंगे, रीवर्क होंगे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद।
तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, ये इम्प्लॉयज का है, अवार्ड स्टाफ का। सेम इसी तरीके से हमारा ऑफिसर स्टाफ का भी रहेगा। अब इसमें अवार्ड स्टाफ का मैं बताती हूँ, एक तो वो इम्प्लॉई है और स्पेशल असिस्टेंट है, और एक एग्जाम्पल लिया हमने, और ग्रेजुएट भी है, सीआईबी भी उसने बोथ पार्ट्स करे हुए हैं, और मेट्रो सेंटर है उसका, और रिटायर हुए हैं वो जनवरी 2020 में। तो और उनकी पेंशन फरवरी 2020 में क्या बनेगी, तो पेंशन फ्रॉम फरवरी 2020, तो उनकी बेसिक पे है 42,020, और स्पेशल असिस्टेंट है वो, उनकी स्पेशल पे रहेगी 1930। ये 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से है। पीक्यूपी उनका 2010 है, एफपीपी का जो इंक्रीमेंट पोर्शन है वो 1310 है, तो टोटल पे उनकी बन जाती है 47,270। तो बेसिक पेंशन 50% इसका हो जाएगा 23,635, क्योंकि बेसिक में हम ये सारी चीजें काउंट करते हैं पेंशन में, बेसिक पे, स्पेशल पे, पीक्यूपी, एफपीपी का इंक्रीमेंट पोर्शन, ये सारा हमारा बेसिक पे में काउंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन। तो दैट विल बी 50% 23,635, और उसको 1/3 हम कर लेते हैं जो कम्यूट करवाते हैं, वो 7878 बनता है। तो टोटल कम्यूटेशन इस हिसाब से बननी है 9,27,398। अब हम रिवाइज्ड बेसिक पे देखते हैं, तो जो 42,020 बेसिक पे थी वो रिवाइज होके हो गई 65,830, और स्पेशल पे 2930 हो गई रिवाइज होके, पीक्यू पे 2010 से 3045 हो गई, एफपीपी इंक्रीमेंट पोर्शन जो है 1990 हो गया, तो टोटल पे बन गई हमारी 73,785। इसका हम बेसिक पेंशन आधा कर देंगे 50% बेसिक का, ये हो जाएगा 36,892, 1/3 हो गया 12,297। तो इसमें दोस्तों कम्यूटेशन बनती है 14,47,603। तो दोस्तों आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये तो हमें एरियर मिलेगा 14,47,603 माइनस 9,27,398, तो ये डिफरेंस इन कम्यूटेशन बनेगा 5,20,205 रुपए। अब बैलेंस 2/3 पेंशन हमारी 15,757, ये हम बता रहे हैं पेंशन क्या बनेगी, और इसके ऊपर डीए 23,635, डीए तो हमें पूरे पे मिलता है, और 2/3 पेंशन बेसिक जो है वो हमारी 15,757 हो गया, और इस पे डीए हो गया 17,938। तो पेंशन प्लस डीए, जो हमें बेसिक प्लस डीए मिलता है वही हमारी पेंशन बनती है, वो है 33,695। इस तरह जो रिवाइज्ड बनेगी वो फ्रेंड्स थोड़ी कम बनेगी, और कम्यूटेशन का हमें डिफरेंस मिलेगा। 2/3 पेंशन हमारी हो गई, 2/3 बेसिक जो हो गई हमारी वो 24,595 हो गई, इसके ऊपर डीए जो है फरवरी 20 में 19.67% था, जो बनेगा 7,257। तो हमारी बेसिक प्लस डीए जो हो गया वो हमारी पेंशन बनेगी, ये होगी 31,852। तो आप डिफरेंस देखिए, ये 33,695 टेंथ बाइपार्टाइट सेटलमेंट से जो हमें मिल रही है, और 11th में हमारी बन जाएगी 31,852 रुपए। तो पेंशन विदाउट चेंज इन कम्यूटेशन 36,892 माइनस 7878 ऑलरेडी कम्यूटेड, तो 29,014 बनती है। तो फ्रेंड्स पेंशन विदाउट चेंज इन कम्यूटेशन 29,014 बनती है, इस पे डीए हमारा 7,257 है। तो रिवाइज्ड बेसिक प्लस डीए ये हमारी पेंशन जो बनेगी, रिवाइज्ड पेंशन फरवरी 2018 की, जो जनवरी में रिटायर हुआ है 36,271। तो फ्रेंड्स अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते तो आपकी पेंशन बनेगी 36,271, अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो पेंशन बनेगी 31,852, जो कि एग्जिस्टिंग 33,695 से 1,843 कम हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको रहेगा 5,20,000 कम्यूटेशन में इंक्रीज, आपको ये एरियर मिल जाएगा। और इसी तरह दूसरा, अगर आप कोई कम्यूटेशन में चेंज नहीं करते हैं, ऑप्शन बी ऑप्ट करते हैं आप, तो आपकी पेंशन जो है वो इंक्रीज होके 36,271 मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये है सारा डिटेल पेंशन की। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमारा कहना है कि 5,20,000 आपको ले लेने चाहिए कम्यूटेशन, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो 1,843 रुपये से तो ज़्यादा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स वैसे आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए, आपका जैसे आपको ठीक लगे, जिसमें आपको बेनिफिट लगे वो आप ऑप्ट कीजिए। तो फैक्चुअल पोजीशन तो ये मैंने आपके सामने रख दी है, ऐसे ही हम ऑफिसर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।